अपने मोबाइल की स्क्रीन को टीवी पर कैसे शेयर करें, यानी कि आपके फ़ोन पर अगर आप कोई फ़ोटोज़ देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं या कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको अपने स्मार्ट टीवी में भी बड़ी स्क्रीन पर साथ साथ में देख सकते हैं, स्क्रीन मिररिंग या यहाँ पर बात करें कास्ट के ज़रिए। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्ट टीवी की सेटिंग्स में जाना है, इसमें आपको नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है फिर, और नेटवर्क सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अपने स्मार्ट टीवी को एक यहाँ पर बात करें वाईफाई से, यहाँ पर बात करें कनेक्ट करना है। तो आप जो अपना फ़ोन है उसमें सिंपली यहाँ पर बात करें हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और उस फ़ोन में जिसमें आपने हॉटस्पॉट ऑन किया है और जिससे आप अपने स्मार्ट टीवी को यहाँ पर जिस हॉटस्पॉट से आपने अपने स्मार्ट टीवी को यहाँ पर बात करें कनेक्ट किया है, उससे आप अपने फ़ोन को भी उसी हॉटस्पॉट से यहाँ पर बात करें आपको कनेक्ट करना है, यानी कि आपको अपने स्मार्ट टीवी और अपने फ़ोन को एक ही वाईफाई नेटवर्क से बात करें कनेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको सेटिंग्स में आना है फ़ोन की, और इसमें यहाँ पर मोर कनेक्शन, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कास्ट का। अगर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखे आपके फ़ोन में, तो आप सर्च कर सकते हैं कास्ट, या फिर यहाँ ऊपर आपको कास्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसमें आपको जाना है कास्ट में, और यहाँ से जो है आपको इसको ऑन करना है कास्ट को, और यहाँ पर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो वायरलेस डिस्प्ले का, तो उसको आपको अनेबल कर देना है, ठीक है। तो वायरलेस डिस्प्ले यहाँ से जो है किया हुआ अनेबल। तो यहाँ से हमने अपनी यहाँ पर बात करें डिवाइस को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपके स्मार्ट टीवी में नोटिफिकेशन आएगा ऐसा, तो आपको उसको अलाउ कर देना है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके फ़ोन की स्क्रीन पर जो भी यहाँ पर बात करें चल रहा है, वही आपके स्मार्ट टीवी में भी चल रहा है, ठीक है। आप जो भी ऐप यूज़ करेंगे या कोई फ़ोटोज़ देखेंगे, तो वो आपको स्मार्ट टीवी में भी इस तरीके से दिखेगी, देख सकते हैं। जो भी आप फ़ोटोज़ देखना चाहे या कोई वीडियोज़ या कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको स्मार्ट टीवी में भी देख सकते हैं आप। यहाँ से जो है आप इसको सिंपली ऑफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक